एक ऑब्जर्वेशन थी, ये जो अभी ये सवाल था ये अर्थक्वेक के, ये जलजले के बारे में जो जिक्र किया कि ये ज़माना आप ऐसे आप वाकयात अपनी आंखों से देखेंगे, उस ज़माने में टेलीविज़न वगैरह नहीं था, आजकल हम अपनी आंखों से देख लेते हैं सर सारी दुनिया में। ठीक है, इसके तो और भी मशहूर शाम की तरफ से काफ़ी मजामीन तहरीरों में, पहले तो वो लोगों की नज़र में महज एक फसीह बली कलाम था बस, लेकिन अब जब बातें पूरी हो रही हैं तो इस सफाई से पूरी हो रही हैं कि वो मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने या वो नज़ारे दिखाए हैं या कलाम जारी फरमाया है मुंह पर और कलम पर। बहुत ही हैरत अंगेज सफाई से वो बातें पूरी हो रही हैं, बल्कि बाइबल के हवाले भी। और आज अभी कल ही मुझे अमेरिका से अबू बकर साहब हैं हमारे वहाँ, वो गौर करते रहते हैं बातों पर, वहाँ अबू बकर साहब ही हैं, दो अबू बकर हैं, एक अबू बकर का मुझे पूरा नाम याद नहीं, ये PhD हैं, तालीम याफ्ता आदमी हैं। उन्होंने बाइबल का एक हवाला लिखा है कि ये जो मैंने देखा है तो ये तो ऑब्वियसली हमारे रिलीजन पर सादिक आ रहा है, तो एक हवाला मैंने भी पेश किया था। मसीह अलैहिस्सलाम की तहरीरें भी मुख्तलिफ लोग भेजते रहते हैं, चंद दिनों में मुझे किसी ने भेजी थी एक और तहरीर, उससे भी यही लगता था कि वो मौजूदा टेलीविजन के दौर पर उसका इतलाफ है, यानी आंखों से बकायदा देख लेना। वो जो बाइबल का उन्होंने हवाला दिया है उसमें वो ये है कि वो मसीह कहता है कि जब मैं आऊँगा तो मैं वहाँ मौजूद हूँगा, जहाँ मतलब है कि वो नहीं होगा वैसे, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं वहाँ मौजूद दिखाई दूंगा, इस किस्म का एक हवाला है। बड़ा दिलचस्प है जो वाकया था आजकल के हालात पर सादिक खतरा दिखाई देता। आपके तो सवाल खत्म हो गए थे, कहाँ से आ गए? बात निकला बात में से बात। अच्छा